हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है कच्चे नारियल की खीर। कच्चे नारियल की खीर काफ़ी झटपट बन के तैयार होती है फ्रेंड्स, बिना कोई झंझट के, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में बहुत ही आसान, और आप इसे किसी भी व्रत या त्यौहार पे झटपट बना सकते हैं। ये कच्चे नारियल की खीर मैंने किस तरह से बनाई है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कच्चे नारियल की खीर बनाने के लिए हमने एक नारियल लिया और उसे तोड़ के, और इसका जो काला सा पार्ट था वो ऊपर से मैंने हटा दिया है, और अब इसके छोटे छोटे से हम चाकू से टुकड़े कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, और मैं इसे मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी जिससे ये जल्दी काम हो जाएगा। पहले सबसे पहले हम इनके टुकड़े कर लेते हैं, जो पीसने में इसे आसानी रहेगी। इस तरह से हम सभी टुकड़ों को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी टुकड़े हम इस जार में डाल देते हैं, और इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। बिना पानी के हम इसे दरदरा सा पीस लेते हैं, कोई पेस्ट नहीं बनाना हमें इसका। और इसे ढक्कन बंद करके मिक्सी को रोकते हुए, हम चलाते हुए रोकते हुए इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, कच्चे नारियल का मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है, और इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा। खीर के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और मैंने एक पतीले में ये 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, और इसे हम आधा करेंगे बॉईल करते करते, जब तक अच्छा सा गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे, बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। तो दूध उबलते हुए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आधा लगभग हो गया है। अब इसमें हम जो हमने कच्चा नारियल पीसा था वो डाल देते हैं, और फ्लेम को स्लो रखें, और इसे सारा बुरादा हम इसमें डाल देते हैं कच्चे नारियल का, इस तरह से पीसा हुआ, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पका लेते हैं, और हम इसे जब तक पकाएंगे तब तक हमारी जो कच्चे नारियल की खीर गाढ़ी ना हो जाए, अच्छे से हमारा जो नारियल पक जाएगा और बढ़िया गाढ़ी भी हो जाएगी। तो मिक्स करते हुए पका लें। तो ये देखिए, दूध और ये जो हमने खीर बनाई है काफ़ी गाढ़ी हो गई है, दूध भी कम रह गया है, और बस अब इसमें डाल देंगे हम ये चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करें। इसी के साथ हम ये इलायची जो मैंने अभी कूट ली है, और इसमें ऐड करके इसका बढ़िया फ्लेवर आएगा खीर में। और बस इसे हम, चीनी मेल्ट हो तब तक हम इसे पका लेते हैं, इस तरह से चलाते रहें, क्योंकि खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, और अच्छे से हम थोड़ी देर और पका लेते हैं चीनी मेल्ट होने तक। इसके साथ ही हम ये कुछ ड्राई फ्रूट डालें, किशमिश और बादाम, काजू, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो खीर में ऐड कर सकते हैं, या इसके बगैर भी बना सकते हैं, खीर वैसे ही बहुत टेस्टी बनी है। तो बस खीर हमारी कंप्लीट है, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कीजिए। कच्चे नारियल की खीर तैयार है। आप इसे किसी भी व्रत में एंजॉय कर सकते हैं, और इसे कभी भी आप बना सकते हैं, जब भी आपका मन करे, झटपट बनने वाली ये खीर की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे की नई वीडियो के साथ। थैंक यू।